हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये बन रही है चाय बन रही है मेहमानों के लिए। अदरवाइज हमारे घर में चाय बिल्कुल नहीं बनती है, कोई भी नहीं पीता है। तो ये है बुआ जी, ये पीस रहे हैं सिलवट्टे पर उड़द की दाल जो मैंने भिगो के रखी थी। इसी कुछ हम आज लोकल डिश बनाने वाले हैं जो मैं आपके साथ शाम को शेयर करूँगी। इसको मोटा मोटा दर तरह पीसते हैं तो मिक्सर में नहीं तो बारीक पेस्ट बन जाता है। और ये देखिए, ये कर रही हूँ मैं खिचड़ी की तैयारी। इसके लिए मैंने उड़द की दाल को पका दिया है, हाफ पकाना है। और इस तरह से खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, सिंपल सी खिचड़ी बनाते हैं हम। और मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ चावल। इसमें मसाले कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ हल्दी, नमक और लहसुन की कलियाँ और घी डाल देना है बस। इसके साथ ये खिचड़ी बनेगी। ये खिचड़ी बन रही है गाय के लिए, तो आगे भी शेयर करूँगी आपके साथ कि गाय के लिए खिचड़ी क्यों आज। मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के बजे हैं 6:30, बाहर मौसम है गुमसुम वाला। तो 5:30 उठ गई थी मैं, ये देखो मौसम आज। और मैं बना रही हूँ खाना। मीन्स अभी मैंने दाल चढ़ाई है, चाय बनाई है क्योंकि मेहमान आए तो इनको तो चाय पिलानी पड़ेगी। अदरवाइज़ हमारे घर में चाय नहीं बनती, हम कोई भी नहीं पीते चाय। इसमें मैंने चने चढ़ाई है और इसमें खिचड़ी बन रही है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। खिचड़ी बन रही है आज, स्पेशल मेहमान आया है कोई घर में, उसके लिए मतलब गाय के लिए बन रही है। गाय ने बेबी डिलीवर किया है तो उसके लिए बन रही है स्पेशल खिचड़ी। मतलब जो हम इंसानों के लिए बनती है ना, वही खिचड़ी गाय के लिए भी बनती है। फिर उसको घी के साथ देते हैं, अभी कुछ दिनों में देते हैं, शायद 4-5 दिनों में। उसके बाद दूसरा वाला दे देंगे जो डेली हम देते हैं उसको फीड। तो अभी जब नहीं सुई है ना गाय, तो सुबह सुबह ये गुड न्यूज़ मिल गई है, इसलिए वो तो भागी हुई है काउशर की तरफ। और मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगी नया मेहमान। तो चलिए, अभी मैं दाल चढ़ा के रखती है, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, मैंगो की ग्रेडिंग करनी है, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। ये आपको मिलवाती हूँ नई मेहमान से। पहले आप सुबह का मौसम देख लीजिए, ये तो बाहर ही निकल गई। ओले 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 मेला बेटा, ओले ओले मेला बेटा, कितनी प्यारी है देखो, कितनी प्यारी है। उठने की कोशिश करिए, अभी 4 घंटे की है। ओले 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 मेलो, ओले ओले मेले पाच आ गए, ओले ओले। देखो देखो खड़ी होगी ये, नहीं यहाँ से काउ शेड से खुद बाहर निकल गई। देखो अभी बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। ओ लो 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 लो, ये देखो चल रही है लड़खड़ा के, जाती नज़दीक से। ये देखो कितनी प्यारी है, नज़दीक आने की कोशिश कर रही है। अभी ना थोड़ी देर बाद देखना ये कितना दौड़ेगी, अभी थोड़ा ये खड़ा नहीं टिक पा रही है। हाँ जी, देखो कैसे देख रही है अपनी। हेलो जी, राम राम। तो ये है शाम की क्लिप, ये बुआ जी काट रहे हैं ये जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, अरबी के पत्ते और उसके डंठल होते हैं, उनका बाहर का छिलका उतार देते हैं और अंदर जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है उसको काटते हैं। नारे बताओ भी बज रहे हैं 5:15 शाम के, और हम देखो क्या बना रहे हैं आज। क्या बना रहे बुआ, स्पेशल डिश? पचिंद्रे। क्या बोल रहे इसको? पचिंद्रे। पचिंद्रे इसको बोल दे, पचिंद्रे। और ये देखो पसीना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हम बनाएंगे। ये यहाँ की एक मतलब बहुत अच्छी बनने वाली डिश है, मैं सेकंड टाइम खा रही हूँ, पहले एक बार मैं खा चुकी हूँ।
बट टेस्ट का पता नहीं कैसी थी, मैं भूल गई उसका टेस्ट कैसी थी। तो सेकंड टाइम आज देखते हैं। सुबह जो उड़द की दाल है ना वो पीस के हमने रख दी है सिलवट्टे पर, और अभी इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये जो डंठल है ना ये देखो, इसको भी बाहर का छिलका उतार देंगे और फिर इसको काटेंगे बारीक, और पत्ते भी काट रहे हैं साथ में। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे बनाते हैं इसको। तो इसमें बुआ जी ने मिक्स कर दिया था जो उड़द की दाल सुबह हमने पीस के रखी थी वो, और ये डंठल और जो पत्ते काट के रखे थे इनको मिक्स कर दिया और हाथों की हेल्प से मिला दिया है। और उसके बाद इसमें मसाले ऐड किए, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा, और जो आपके पास मसाले हों वो आप डाल सकते हैं। हमने किचन किंग डाल दिया था थोड़ा सा इसमें, और हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेगा क्योंकि इससे ही पानी निकल जाता है पत्तों से थोड़ा बहुत, और जो उड़द की दाल थी उससे। तो ये देखिए, और इसमें सीडू मेकर में लगा दिया है ऑयल, और इसको जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हैं। सिर्फ सख्त सख्त बनाना है इसको, हाथ से कस के बनाना है, नहीं तो ये फट जाते हैं। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, कोई गोल बना दिए थे मैंने, खुद थोड़े से लंबे बना दिए थे। और इनको फिर स्टीम कर देना है, ये पक जाते हैं 15-20 मिनट में पक जाते हैं। तो ये मैंने स्टीमर के लिए लगा दिया है। तो ये देखो गाइस, ये बन गए हैं। ये देखो मैं चाकू से एक मतलब चेक करूँगी, ये ना फट रहे हैं। इनको ना आप मतलब जब बन जाएंगे, मतलब पूरे बन गए हैं एक्चुअली, इनको आप तेल में तल के भी खा सकते हो, और इसी तरह से चावल के साथ खाई जाती है एक्चुअली ये ज़्यादातर, गरम गरम चावल के साथ। इसमें घी डालते हैं इसके इसमें, और इसको चावल के साथ मिक्स करके खाते हैं। तो ये पक गया है मेरा एक्चुअली, ये देखो। हेलो एवरीवन, ओह फाइनली अभी फ्री होगी मैं यार किचन से, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी, और ऊपर से सुबह से लगे पड़े हैं आज 5:30 बजे से और अभी तक, क्योंकि आज डबल काम हो गया था ना, एक तो गाय की डिलीवरी हुई, तो नया मेहमान घर में आया तो मम्मी तो उसके साथ बिज़ी हो गए, ऊपर से और काम आपको पता ही है जो डेली का काम है।